तो आज की वीडियो होने वाली है बांग्लादेश टू इंडिया बाय लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, और यहाँ की बसेस देखिए भाई, बस और काफ़ी क्या कि ये बॉर्डर है, काफ़ी कुछ एडवेंचर होने वाला है और यहाँ के बसेस के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। ओ भाई ठोक दिया, ये देख लीजिए ये लोग कैसे, मतलब भाई कैसे चल रहे हैं। ट्रेन जर्नी भी थोड़ी सी इसमें रहेगी और हम बाय लैंड बॉर्डर कैसे क्रॉस किए, कैसे लाइन में लगे, एक तरफ इंडिया है एक तरफ बांग्लादेश है। आइए शुरू करते हैं और बताते हैं अपनी जर्नी बांग्लादेश टू इंडिया। गुड मॉर्निंग गाइस, केम चोक कसा काए। तो फाइनली आज हमारा क्या बोलते हैं कि बांग्लादेश में पूरे 8 से 9वां दिन है, मैंने दिन काउंटिंग नहीं किया है। तो आज हम जाने वाले हैं बैक टू इंडिया बॉर्डर के नियर, और बांग्लादेश का आखिरी दिन, आई थिंक कल आखिरी दिन हुआ, आज नाइट की ट्रेन है, ठीक है। और हम कर रहे हैं कुछ कुकिंग यहाँ पे, और ये है फ्रॉम चाइना योर नेम 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 आती भाई, आती नाम है इसका, जो भी आती जाती जो कोई वो नहीं है। अभी थोड़ा सा लाइट का है, ठीक है, तो कुकिंग करते हैं और मेरी नाइट की ट्रेन है कमलापुर से, ठीक है। पूरी जर्नी बताते हैं और एक मैं बॉर्डर से पहले रुकने वाला हूँ, ठीक है। और ये भाई है यहाँ का न्यू स्टाफ है मैनेजर, ठीक है। अभी कोई भी यहाँ पे आते हो तो ये बंदा मिलेगा, ठीक है। तो गाइस गाइस गाइस, हॉस्टल से हम निकल चुके हैं फाइनली, और हम जाने वाले हैं, ये वीडियो अब जैसे मैं आया था वैसे तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बांग्ला यहाँ से कुछ तो किलोमीटर जाके फिर वहाँ से मैं बाय लैंड क्रॉसिंग करने वाला हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना यार, तुम लोग बोलोगे यार ट्रेन से गया फिर से वही दिखाएगा, इसके लिए मैं बांग्लादेश की और पहले उतर के देखता हूँ कैसे जाऊँगा क्या है। तो अभी मेरी रात की ट्रेन है कमलापुर से, 11:40 की ट्रेन है, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट स्टेशन और वहाँ से मैं कमलापुर के लिए लूँगा। जैसे मैंने ऑनलाइन टिकट, एक बंदे ने, बंगाली भाई था, उसने काफ़ी अच्छा हेल्प किया, तो उसने टिकट मेरी ऑनलाइन कटवा दी थी। और फिर ये यहाँ का भाई, कल मॉर्निंग में मैं पहुँचूँगा और मॉर्निंग से बताऊँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग, और वहाँ के थोड़े बहुत अगर विलेज एक्सप्लोर में रहा तो वो भी आपको दिखाऊँगा। जहाँ तक मेरा रहा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, इसकी ग्रोथिंग अच्छी हो रही है, अभी जैसा वीडियो में बहुत सारे दिखाया जाता ना ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा। और ये हम बहुत सही एरिए में हैं, नॉर्थ उत्तरा करके एक प्लेस है, तो ये काफ़ी सिक्योर और सही है, ठीक है। और यहाँ के हार्ड वर्क देखिए, यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं लोग, लेकिन हार्ड के साथ में स्मार्ट वर्क करे तो और बेटर होगा, मतलब आने वाले में डेवलप होगा, आने वाले 5 से 10 सालों में ये भी बांग्लादेश भी थोड़ा ऊपर होगा। और जैसे यहाँ का आपने पहले भी मैं वीडियो में बताऊँगी, सेकेंड लार्जेस्ट हब है एक्सपोर्ट में कपड़े के लिए। और मिलते बताते कैसा बॉर्डर तक पूरी ये वीडियो रहेगी, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा लोकल आपको पता चलेगा, ठीक है। सब स्टेशन पे उतर चुके हैं, और जैसा कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका का बड़ा रेलवे स्टेशन है कमलापुर, और कमलापुर का निर्माण हुआ था
1996 के अराउंडिंग में हुआ था इसका, और ये सबसे बड़ा बेस्ट स्टेशन है और काफ़ी लॉन्ग रूट के लिए यहाँ पे स्टेशन ट्रेनें छूटती हैं। ये देखिए, और यहाँ का स्ट्रक्चर जो बनाया गया है ना भाई, कि वन टाइम बना के छोड़ दिया, दूसरा बारह बनाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, वन टाइम बना के छोड़ दिया गया है। आई थिंक ये टोटल सीमेंट कर दिया, अपने इधर तो पतरा रेनोवेट वगैरह होते रहता है, ऐसा कुछ होते रहता है, लेकिन इधर ऐसा कुछ सी मतलब ये वन टाइम, ये भी ठीक है, एक ही बार खर्चा कर दिया, दोबारा टेंशन ही नहीं। अच्छा, ये बड़ा स्टॉप है हर जगह से, यहाँ के लिए हमारी जो ट्रेन है खुलना यार, मेरे को आपको मैं बताया हूँ वो है, और ये कुछ गाड़ी जैसा हर वक्त मैं दिखाने और ट्रेनें हैं। पहले को मैं पूछा अपना ट्रेन का नंबर, तो उसने बोला 8, तो मैं बोला ये रहा 8, ये देखो आपको क्या लगेगा, ये 8 ही है ना, लेकिन बोलता है भाई ये बंगला का 4 है। मैं बोला ले तेरी जात की है ही ते ही, तो भाई सेफ 8 लिखा हुआ है, एकदम साफ 8, एकदम अच्छी राइटिंग में, बड़ी साइज में। कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर सामने वाला 8 बोल दे, तुम धड़ा कर कहाँ चल भाई, क्योंकि हर देश में ना देखो इंग्लिश में मतलब थोड़ा सा लिख ही देते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल शो नहीं किए हैं कि हाँ भाई दोनों दो लैंग्वेज लिख दे, इंग्लिश और, क्योंकि इंटरनेशनल है इंग्लिश। लेकिन चलो 8 उधर है और ये रहा 4, तो 7 दिख रहा है, वो सॉरी वो नहीं, वो नहीं ये वाला, ये रहा, ये कितना होगा यार, वो 8 है तो 7 हो तो बराबर है, यानी अब जो भी हो 4, 5, 6 पता नहीं यार, नहीं समझ में, शायद वही वो वाला है 8। जहाँ तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, जहाँ तक पूरे बांग्लादेश में शायद हो तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं देखा हूँ, लेकिन सब में जनरेटर लगा रखा है, देखो एक ये ही पूरे मतलब गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी हो सके, ठीक है राइट, ठीक है, ये सामने लगा रखा है, जनरेटर है, दो चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है नहीं। अभी देखो ये लोग कैसे उतरते हैं वो देखना एडवेंचर है, ये लोग उतर कैसे रहे, रिस्पॉन्सिबल भाई ये बंदे ने मुझे मतलब स्पेशल टिकट काउंटर के अंदर लाके बैठाया, अगर जाना कि ये बंदा बाहर का है तो इनकी हॉस्पिटलिटी के लिए थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी केयरफुल अदर साइड इंडियन इज स्टाफ। और गाइस ये टिकटें अभी भी चलती है, आई थिंक इंडिया इज क्लोज, इज ओल्ड टाइम इज सेम रनिंग, इंडिया इज क्लोज, एवरीथिंग कंप्यूटर। ये अभी भी यहाँ पे चल रहा है और ये यहाँ का है, लेकिन भाई एक चीज़ है कि आदमी अच्छे बुरे सब मिलते हैं, लेकिन ये भी बंदा है ना बहुत केयरफुल है, काफ़ी मैं कब से देख रहा था कि कई लोगों को कर रहा था, लेकिन अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस तो आई थिंक बेहतर रही है, लेकिन कुछ कुछ रहते हैं लेकिन अच्छे भी है। अभी वो जो बंदा था ना बोल रहा है कि मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं बैठा था स्टेशन पे, तो आया फिर उसने बोला कि कोई इधर मतलब बैठा है जो भी है अच्छी जगह, तो बोलता कि मैंने आपकी कली वीडियो देखी भाई, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी ही अच्छा फील हो रहा है भाई का, ये है सर, थैंक यू वेरी मच आपने अपकमिंग जर्नी, हाँ ये साइड थोड़ा सा जा नहीं पाऊंगा मैं, हाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे
आप दे दीजिए पहले। आपने कीमती अपना वक्त दिया हो गाइस, तो आई थिंक बांग्लादेश का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और आप लोग मेरे जाते जाते से भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नासिर। नासिर भाई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेस्ट विशेस। तो आने वाली है ट्रेन और मेरे पीछे जो बैठा है देखिए ये कैदी बैठा है, देख रहे हो जो पीछे बैठा है ना कैदी है, पुलिस ऐसे लेके जा रही है। अच्छा लगा भाई, मतलब एक तो सबसे अच्छा लगा ये कि भाई बंदा है बोलते मैंने आपकी वीडियो कल देखी थी, वाह मेरी तो अच्छा लगता है यार, अभी उतना भी हाइप नहीं है लेकिन ठीक है। चलो मेरी ट्रेन आने की तैयारी है, काफ़ी क्राउड रफ लग रहा है मेरे को। हाँ भाई साहब इतना उतना तो है नहीं, मतलब स्टेशन पे रुकी नहीं यार, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उतरने रखने में। तो फाइनली ट्रेन हमें मिल चुकी है और थोड़ी लेट थी एनीवेयर, लेकिन यहाँ का एक चीज़ है, पहले तो ट्रेन सीट शेयर देख लीजिए, मैंने स्पेस आया थी यहाँ से सेटिंग करने के लिए, सेटिंग के लिए भी अच्छा दिया है, लेग स्पेस भी सही है, लेग स्पेस भी सही है, परफेक्ट है। एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पे ऐसा है ना कि आप टिकट जब बुक करते हो ना, समझ लो हम लोग कैसे लोकल में खरीदते टिकट कभी भी ले लिया, तो ये लोग सीट इमीडिएटली जल्दी नहीं देते, दो तीन घंटा पहले लो, और लॉन्ग रूट की अगर ट्रेन है 200-300 किलोमीटर की तो आपको सीट देंगे ही देंगे। अपने इधर ऐसा होता है कि भाई सीट नहीं मिला कुछ भी कहीं भी गुजर, ऐसा सीनेस ठीक है यार, लॉन्ग रूट में बंदा खड़े खड़े कैसे जाएगा, नहीं तो सीट जल्दी नहीं देते हैं, ये सही है। अभी ऐसा कुछ तो है नहीं लेकिन ये ट्रेन बेहतर है, ये सिस्टम थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, चेकिंग भी अच्छी रहती है। अब मिलते हैं आपको पैना अपने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं फुलना, ठीक है ये देखिए यहाँ पर आई थिंक कुछ लगा हुआ है, हाँ ठीक है, और यहाँ से अब निकल रहे हैं बाहर, थोड़ा लेट था ट्रेन एनीवे पहुँचा दिया है, अब उतर के देखते कहाँ जाना है। कटका है 20 टका बॉर्डर है बाद में जाऊंगा, कोई जगह है क्या जगह नहीं, बॉर्डर के लिए 20 टका लगता है ठीक है। मैंने बस तो अपन थोड़ा नाश्ता वास्ता करके मुश्किल रखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ क्या लास्ट विलेज। तो गाइस फाइनली बेनापुल स्टेशन से 10 टका भी लेते हैं 20 टका भी लेते हैं, और मात्र इंडियन मनी में मैं 500 रुपये में कोलकाता बॉर्डर के अपने इधर नज़दीक में आ गया हूँ। ये रहा जैसे बॉर्डर, अभी कुछ सिस्टम होता है जो भी रहता है, देखते हैं यहाँ पे सूट वूट करना लाइन है, पूछता हूँ कैसे क्या है ठीक है। यहाँ पे एक आपको एक्सचेंज मनी भी बहुत मिल जाएंगे ठीक है, कुछ बोल रहा है वोमन टैक्स वगैरह ऐसा कुछ पता नहीं एक है, लेकिन टैक्स कैसा लगना चाहिए एनीवे देखते हैं कैसा क्या है। अभी जा रहा हूँ पहले ये बॉर्डर है जमा करा के, फिर से देखते हैं। गाइस एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे इंडियन के लिए सबके लिए 1000 टका देना पड़ता टैक्स, मैंने थोड़ा पैसा कम पड़ गया था तो मैं कुछ और चेंज करवा लिया, यहाँ बाजू में ही एक्सचेंज मनी और मुझे मिल गया है, अभी 1000 टका टैक्स देना पड़ता है। ये यहाँ का इसकी फोटो आपको बॉर्डर पर मिलेगी 700-800
अभी हम फिलहाल ना बांग्लादेश में ना ही इंडिया में, ओके अभी सेंटर में। ये देखो, ये बांग्लादेश एंड इंडिया और सेंटर, ये रहा फ्लैग, फ्लैग ठीक है, बांग्लादेश बॉर्डर लाइन, तो गाइस फाइनली इमिग्रेशन सब कुछ हो गया। इमिग्रेशन का चलो शॉर्टकट में मैं बता ही देता हूँ भाई। इमिग्रेशन का सिस्टम ये था कि आई थिंक ठीक ही था, लेकिन करप्ट इतने थे ना भाई, बांग्लादेश की तरफ पूछो मत, बहुत करप्टेड। और इंडिया की तरफ ये था कि आप सब कुछ ठीक था, एक चीज़ है कि अगर आप कहीं कोई इमिग्रेशन में अगर कोई कंट्री में एंट्री कर रहे हो, तो कोई कोई रहता है ना कि दिमाग से थोड़ा सा जाहिल ऑफिसर रहता कि भाई मेरा एक ट्राइपॉड रखा था, बोलता है कि इसके लिए परमिशन लगता है, ये स्टिकर लगवाना चाहिए, ये वो। हाँ तो मैं उसको भाई दिमाग चलाने का उसको सॉरी बोल के, सर सॉरी सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, बस बात, क्योंकि उससे मुँह लड़ा के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्यों, अरे यार इतनी कंट्री ट्राइपॉड के लिए क्या अलग से स्टिकर मरवाने का क्या है, जब वीज़ा लेते हैं जब स्टंप करते तब वो ऑफिसर लोग को देखना चाहिए ना, तो ऐसा कुछ है, कुछ जाहिल टाइप के लोग रहते हैं। लेकिन एनी वेयर सब कुछ ठीक ही था, कोई वो नहीं है। अभी सियालदा यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, और ये है अपना मुंबई लोकल नहीं, अपना आई थिंक कोलकाता की ट्रेन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक